मुंबईमध्ये शस्त्रांची विक्री करण्यासाठी आलेल्या दोघांना मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकानं विक्रोळी येथून बुधवारी अटक केली आहे. पोलिसांनी या दोघांकडून 8 पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसांचा साठा हस्तगत केलाय. ही शस्त्र मध्य प्रदेशातून आणल्याचा प्राथमिक अंदाज असून ती कोणाला विकणारती याचा तपास गुन्हे शाखा सध्या करत आहे. यासिन खान आणि अजहर खान अशी आरोपींची नावे आहेत. मध्य प्रदेशात तयार होणारी शस्त्र छुप्या मार्गाने मुंबईत आणून ती गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना विकण्यात येत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळाली होती. काही तरुण शस्त्र विकण्यासाठी मुंबईत येत असल्याचं युनिट 7 प्रभारी पोलीस निरीक्षक मनीष श्रीधनकर यांना गुप्त बातमीदारांकडून समजले. त्यानुसार सहाय्यक निरीक्षक आनंद बागडे, अमोल सिद्ध ओलेकर, उपनिरीक्षक धोत्रे, चव्हाण काळे यांच्या पथकानं पूर्व द्रुतगती महामार्गावर सापळा लावला. तेथे दोन तरुण संशयास्पदरित्या फिरताना आढळले. त्यांच्या हालचालींवरून पोलिसांच्या पथकानं दोघांना ताब्यात घेतले. या दोघांची पोलिसांनी झडती घेतली असता त्यांच्याकडे देशी बनावटीची 8 पिस्तुलं आणि 8 जिवंत काडतुसे सापडले. टीम को एक खुफिया जानकारी मिली थी जिसमें दो सस्पेक्ट्स विक्रोल एरिया में आके आर्म्स का सेल करने वाले हैं, ये जानकारी थी. इसी जानकारी के आधार पर एक कार्रवाई की गई. ये इस कार्रवाई में दो लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके पास से 8 कंट्री मेड पिस्टल्स और लाइव राउंड्स जब्त किए गए हैं. दोनों भी अरेस्टेड एक्यूज बिलोंग टू मध्य प्रदेश और ये केस का भी आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू है. सर, बैकग्राउंड क्या है आरोपियों का, ये किस तरीके से लाते थे यहाँ पर और किसको डिलीवरी देने वाले? किसको डिलीवरी देने वाले थे ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है. ये तो इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लियर हो जाएगा. लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इलीगली आर्म्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. इसके पहले भी क्राइम ब्रांच ने वहाँ के लोगों को पकड़ा है, उनके पास से आर्म्स जब्त किए गए हैं. तो आगे इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा कि किसको सप्लाई होने वाला था इसका. सर, इससे पहले जिन लोगों को पकड़ा है उन लोगों के साथ इन लोगों को बंधन है क्या, तो उसके सामने आया गया? नहीं, वो तो हम चेक कर रहे हैं अभी. सर, क्राइम ब्रांच ने पिछले महीने ही इसी इलाके से लखन सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था जो मुंबई में भी इसी तरह से मुंबई में सप्लाई करता है. एरिया तो एक ही है लेकिन कनेक्शन अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है. लेकिन वो दोनों भी एक्यूज इस गुंडे में से जो एक्यूज है और पहले प्रीवियस ऑफेंस में से एक्यूज एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं. मुंबई में कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार बाहर से हथियार मंगवा रहे हैं? उसमें से आप लोग बाहर से जो लोग हथियार लेके आ रहे हैं उनको तो पकड़ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कौन मंगवाते हैं उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाती. क्या कोई अंडरवर्ल्ड लिंक भी है? सर, नहीं, इसमें ऐसी कोई लिंक अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई है. इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन शुरू है कि डिमांड कौन कर रहा है और आगे भी किसी को बेचा जाने वाला था या फिर इसका क्या इस्तेमाल होने वाला था, इसके बारे में हम अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है. क्या इतना आटी लेके आए थे कि इससे और कुछ ज्यादा भी लेके आए थे? नहीं, अभी तो इसी इसमें तो 8 ही मिले हैं, तो यही मान के चलना होगा कि उतने ही लेके आए थे. लेकिन फिर भी हम एक्यूज को इंट्रोगेशन तो लगातार चल ही रहा है.